CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। देश में जिस तरह कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। डराने वाला इसलिए भी क्योंकि भारत के 7 राज्यों की आर वैल्यू 3 से ज्यादा हो चुकी है। सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते कि आर वैल्यू क्या है तो बता दें कि दरअसल ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो बताता है कि कोई वायरस कितना ज्यादा संक्रामक है। इस वैल्यू में होने वाला छोटे से छोटा बदलाव भी काफी अहम होता है। आर नंबर या वैल्यू का 1 पर होना जरूरी है। वैल्यू के 1 के ऊपर या नीचे जाने से पूरा खेल बनता और बिगड़ता है। आर वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन वैल्यू, इसी आर वैल्यू से पता चलता है कि कोरोना से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं या हो सकते हैं। अगर आर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि केस बढ़ रहे हैं, और अगर 1 से कम हो रही है तो ये केसेस घट रहे हैं। मसलन अगर कोई 100 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अगर उसके जरिए 100 और लोग संक्रमित हो जाते हैं तो आर वैल्यू 1 होगी, और वहीं अगर उनसे 50 लोग ही संक्रमित हो रहे हैं तो आर वैल्यू 0.50 होगी। कुल मिलाकर आर वैल्यू से केसेस बढ़ने या घटने की रफ्तार का आकलन किया जाता है। संक्रमण की रफ्तार कम हो इसके लिए आर वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, लेकिन अभी के हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि भारत के 7 राज्यों की आर वैल्यू 3 से ज्यादा पहुंच चुकी है। अब जान लीजिए वो 7 राज्य कौन से हैं और वहाँ की आर वैल्यू कितनी है। झारखंड की आर वैल्यू 5 है, यानी झारखंड में 1 कोरोना संक्रमित मरीज 5 और लोगों को संक्रमित कर रहा है। 4.55 आर वैल्यू के साथ दूसरे नंबर पर है बिहार। तो वहीं दिल्ली का आर वैल्यू 4.35 है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश जहां आर वैल्यू 3.32 है। गुजरात की आर वैल्यू 3.29, हरियाणा की आर वैल्यू 3.28 और राजस्थान की आर वैल्यू 3.24 है। पूरे भारत की औसत आर वैल्यू 2.69 है। यहाँ आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में औसत वैल्यू 1.69% थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। वहीं दूसरी ओर IIT मद्रास की रिसर्च में भी ऐसी ही डराने वाली बात सामने आई थी। IIT मद्रास के गणित विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जयंत झा के आकलन के मुताबिक कोरोना वायरस की मौजूदा लहर 1 से 15 फरवरी के बीच चरम पर पहुंच सकती है और इसके पहले की लहरों की तुलना में तेज रहने की आशंका है। भारत को लेकर अमेरिकी फर्म नोमुरा का अनुमान भी डराने वाला है। इस फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म ने बीते सप्ताह एक नोट में भारत में ओमिक्रॉन के चलते तीसरी लहर से जुड़े अनुमान जारी किए थे। इसके अनुसार अगर भारत में ओमिक्रॉन अमेरिका की तरह फैलता है तो पीक के दौरान रोज 30 लाख केस सामने आ सकते हैं। अपनी चेतावनी में फर्म ने कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है, और अगर भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के हालात दक्षिण अफ्रीका जैसे रहे तो रोजाना 7,40,000 मामले आने का अनुमान लगाया गया है।